एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं करने जा रही हूँ, सिर्फ आई मेकअप ही करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर सकती हूँ। और बेसिकली मैंने फाउंडेशन वगैरह जो है वो मैंने लगा लिया है। फिलहाल मेरे पास मिरर नहीं है, तो पूरा फोकस अभी मैं कैमरे पर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि यही मेरा मिरर है। तो इसी के थ्रू मैं पूरा आई मेकअप जो है वो करके दिखाने वाली हूँ। और आप लोग कमेंट में बताना कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। मैं सिर्फ बेसिकली सीख रही हूँ, और आप भी अगर नए हैं और सीख रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और मैं वैसे भी अभी शादी सीजन है, तो काफ़ी लोग मुझसे करवाने के लिए बोले हुए हैं कि आप ही आई मेकअप से लेकर के हर चीज़ मुझे करने का है, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो सिर्फ उसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने सारा मेकअप पहले से कर चुका हुआ है, जो भी करना था, फाउंडेशन वगैरह और जो भी लगाने का था, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ आई शेडो। तो मैंने ये मेट का लिया हुआ है, कुछ शिमर्स है इस पर और कुछ ग्लिटरी। तो हम अगर 3D मेकअप करते हैं तो भी यही सब चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो अभी फिलहाल मैंने जो कपड़े पहने हैं, तो उस हिसाब से मैं लेने वाली हूँ ये मैच कर रहा है मेरे के, ठीक है। इसके साथ मैंने ये लेना है, क्योंकि ये दोनों का मैचिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जा रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल थोड़ा सा मुझे यहाँ जो है ना, दोनों आई मेकअप से दोनों बराबर करते जा रही हूँ। और आप लोग भी अगर सीख रहे हैं या वेडिंग में जाना चाहते हैं, आपको तैयार होने नहीं आता है, तो सिंपली मेरे जैसे कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही सिंपल मैंने कर रही हूँ। ये मोटर कलर लिया हुआ है, नंबर नंबर गाइड कर रही हूँ, देख कर दी। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर लूँगा। मैं ये पतले ब्रश से यूज़ कर रही हूँ। We'll be right back.
तो फाइनली फ्रेंड्स अभी मैंने अपना पूरा मेकअप तो आई मेरा फोकस ये था आई शेडो और आई मेकअप के ऊपर ही था और सिंपल वे पे मैंने किया है जो भी किया है और थोड़ा बहुत सीखा है वही सब चीज़ें मैंने शेयर किया है कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अगर आप भी मेरे जैसा सीख रहे होंगे तो थोड़ा बहुत तो करना आना ही चाहिए कि क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो काफ़ी लोग बिजी होते हैं और हम उनके भरोसे रहते हैं कि नहीं थोड़ा कर देंगे लेकिन ऐसे भी बहुत ही इतना भागा दौड़ी होता है शादी ब्याह पे कि हम उनका वेट क्यों करें, है ना। तो हमें थोड़ा बहुत तो आना चाहिए बेसिकली कि हम थोड़ा अपना खुद का मेकअप करें और थोड़ा सा थर्स के निकल पड़े। तो ये रहा कुछ इस तरीके से। अगर मैं इस पे लहंगा वेयर करती हूँ या साड़ी वेयर करूँगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। उस पर सिर्फ जो मैंने कलर सिंपली सा लिया था, कोई ज़्यादा तामझाम किया भी नहीं है, एक दो कलर ही जो है वही यूज़ किया है, उसी से मैचेस यूज़ किया है। ज़्यादा कलर यूज़ करने की कोशिश ना करें अगर आप न्यू सीखने वाले हैं, ठीक है। आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप बिल्कुल एक कलर उठाइए और जो भी मैच करता हो उसी से आप यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा लगता है। ज़्यादा हॉच पॉच करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको आता नहीं है तो उसमें हमको ज़्यादा पिचकाट वाले काम नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने अपना जो भी आई मेकअप किया है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर यह थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और भी किस तरीके से वीडियो आपको चाहिए। तो आजकल इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।